हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम हेडर लेंथ फील्ड जो हमारे टीसीपी हेडर के अंदर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली हेडर लेंथ फील्ड के बारे में हम लोग पहले भी बहुत गहरा डिस्कशन कर चुके हैं जब हम लोग IPv4 हेडर के बारे में बात कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो सेम है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेडर लेंथ फील्ड जो आपके टीसीपी हेडर में है वो है 4 बिट की। IPv4 हेडर में भी ये हेडर लेंथ फील्ड जो थी 4 बिट की थी। वहां पे भी हम लोगों ने स्केलिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। क्या आप उसके रीजन को रिकॉल कर पा रहे हो? 4 बिट है तो 4 बिट से आप मैक्सिमम नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर सकते हो? सारे 1 लगा दो, 15, ओके। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हेडर? इट इज मिनिमम 20 byte कैन बी द हेडर और मैक्सिमम 60 byte कैन बी द हेडर लेंथ। सेम सिचुएशन IPv4 में भी हमने विटनेस की थी और उसी हिसाब से हमने क्या किया था, स्केलिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। ये लिया था 60 byte और वो मैक्सिमम 15, दैट इज इक्वल टू 4, और ये जो 4 था ये हमारा क्या था, स्केलिंग फैक्टर। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो सिमिलर है। सो आई वॉन्ट यू नो, मैं ये नहीं चाहता कि मैं वही कंटेंट वापस इस वीडियो में रेफर करूं। तो अगर आपको और अच्छी तरीके से डिटेल में इसके बारे में जानना होगा, समझना होगा, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अब यहां पे हम थोड़ी नई बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टीसीपी हेडर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टीसीपी, ओके। तो यहां पे एक नई चीज निकल के आती है कि हेडर लेंथ का इस्तेमाल करके आप एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है दैट इज नथिंग बट द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, ओके, That is expected from the sender by the receiver. ये जो है acknowledgement number find करने की हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे header length field जो है हमारे काम आने वाली है। So let's consider that one first, ठीक है? तो वो कुछ अलग बात है, okay? जो हम इस video में discuss करने की कोशिश करेंगे। See, what is the basic structure? ये है आपका TCP segment, ठीक है? ये क्या है? TCP segment है। और इस TCP segment के अंदर यहाँ पे header है, करेक्ट। और लेट्स से यहां पे जो बचा हुआ एरिया है जहां पे आपका डेटा बाइट्स हैं, तो वो डेटा बाइट्स को जिस तरीके से हैं, सो दीज आर द डेटा बाइट्स, ओके, करेक्ट, डेटा बाइट्स लाइक दिस, ओके। लेट्स कंसीडर जो फर्स्ट डेटा बाइट है उसका सीक्वेंस नंबर 100 है, इसका 101 है, इसका 102 है, इसका 103 है, लाइक दैट 104, फिर 105 एंड लास्ट वाला जो है 106। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो सीक्वेंस नंबर फील्ड है हमने पिछले वीडियो में देखा, उसमें कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट बाइट का जो सीक्वेंस नंबर है वो यहां पे आपके सीक्वेंस नंबर फील्ड में हेडर में मौजूद होगा, ठीक है। यहां तक तो बात अपने को समझ में आ गई थी। लेकिन यहां पे बेसिकली टास्क ये है कि हमें फर्स्ट बाइट का तो पता है, फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर यहां पे मेंशन है, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन Now we are interested in knowing the last byte का sequence number क्या है। हम क्यों interested है? Because at the receiver end, acknowledgement के form में क्या आने वाला है? Sequence number 107 आने वाला है। उसके लिए 106 ये last byte का sequence number ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो जाके हम उसके अगला जो byte है उसका sequence number expect कर रहे हैं from the sender। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके। तो इस वजह से पहले ये जो लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर है वो पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। अब यहां दिक्कत क्या आती है टीसीपी में, ये आपको बताता हूं। टीसीपी में हमारे पास सिर्फ हेडर लेंथ ये फील्ड मौजूद है, ओके। लेकिन अगर IPv4 में देखोगे तो हमारे पास हेडर लेंथ भी था और टोटल लेंथ भी था। तो वो बड़ा आसान काम था वहां पे, सिंपली टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ। टोटल डेटा है, डेटा को आपको सिर्फ जो पहला नंबर उससे ऐड कर दो, आपको लास्ट में आपका जो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर है आपके बाइट का वो मिल जाएगा, लास्ट बाइट का। वहां पे काम आसान हो जाता। लेकिन टीसीपी के अंदर ये फील्ड मौजूद नहीं है। अब क्या किया जाए? हेडर लेंथ चलो काम तो आने ही वाला है किसी ना किसी तरीके से, ये हेडर लेंथ काम आने वाला है, लेकिन ये पता कैसे किया जाए कि लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या है, ओके। तो उसके लिए आपको ये एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिकली ये जो टीसीपी सेगमेंट है ये आपका कहां विराजमान होता है, ये कहां एनकैप्सुलेटेड होता है। इट इज बेसिकली एनकैप्सुलेटेड इन द आईपी पैकेट, ओके। यानी कि यहां पर आपका एक तरीके से जो है आईपी पैकेट यहां पर कुछ इस तरीके से मौजूद होगा, और ये आपका क्या है, टीसीपी हेडर है। ये आपका टीसीपी, वॉट इज दिस? This is the TCP header, okay? और ये जो है ये आपका आईपी हेडर है, ओके। ये आपका आईपी हेडर है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और उसके अंदर आपका टीसीपी सेगमेंट कुछ इस तरीके से बैठा होगा। अब आईपी हेडर की मदद से हम अपना काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। आईपी हेडर के अंदर दो फील्ड हैं, कौन सी है? एक तो है उसका खुद का हेडर लेंथ, करेक्ट, और दूसरा है उसका
टोटल लेंथ, जिसमें पेलोड भी इंक्लूडेड होता है, और ये है वो। समझ में आ गया कि नहीं? तो हेडर लेंथ है, टोटल लेंथ है, और ये हेडर लेंथ है। अब मामला मिलते हुए दिख रहा है, अब मामला सुधरते हुए सुलझते हुए दिख रहा है। कैसे? व्हाट वी कैन सिंपली डू इज दैट, सबसे पहले तो भैया जो पेलोड है उसके ऊपर ध्यान दो, आपके आईपी हेडर का, आईपी डेटाग्राम का, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर पोर्शन जिसमें आपका आईपी सेगमेंट बैठा हुआ है पूरी तरीके से, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला स्टेप हम लोग करेंगे भैया टीएल माइनस एचएल। ये किसका है? ये टीएल और एचएल किसका है? ये है आपके आईपी डेटाग्राम का, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें प्राप्त होगा, ओके। इसकी साइज प्राप्त होगी। एक बार वो साइज मिल गई, सेकंड स्टेप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप लेट्स कंसीडर ये जो हमें मिला है, दिस पोर्शन, लेट्स कंसीडर दिस पोर्शन एज वन, ठीक है। लेट्स कंसीडर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप। अब ये जो रिजल्ट है मेरा फर्स्ट स्टेप का, इसको हम माइनस करेंगे विद द टीसीपी हेडर, विद द टीसीपी हेडर लेंथ, विद द टीसीपी हेडर लेंथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। टीसीपी सेगमेंट का जो हेडर लेंथ फील्ड होगा उसमें, उससे हम लोग इस फर्स्ट रिजल्ट के, फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट के पोर्शन को, साइज को हम लोग एक तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अभी हमें मिल जाएगा ये वाला पार्ट, यानी दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड स्टेप जो हमें चाहिए था। अब इसके बाद मामला काफी आसान होने वाला है। अब यहाँ पे थर्ड में हम लोग क्या करेंगे पता है? थर्ड स्टेप में हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, वी नो द साइज। सेकेंड स्टेप के रिजल्ट में हमें साइज पता चल चुकी है, तो वॉट वी आर गोइंग टू डू, जो पहला है, पहला बाइट क्या है? 100 है। पहला बाइट क्या है? सिंपली 100 है, मतलब द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट जो है वो 100 है। उसमें हम ऐड करेंगे द साइज ऑफ द सेकंड स्टेप रिजल्ट और माइनस वन कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें लास्ट बाइट का जो सीक्वेंस नंबर है वो मिल जाएगा। अब ये मैंने माइनस वन क्यों किया? सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो मेरे पास 20 नंबर्स है, ओके, आई हैव 20 नंबर्स, और मेरे पास जो है शुरुआत जीरो से हो रही है, लेट्स कंसीडर आई एम स्टार्टिंग विद जीरो, तो रेंज क्या है? जीरो से 19 होनी चाहिए, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? लास्ट नंबर कैसे कैलकुलेट करूंगा? इट इज गोइंग टू बी जीरो प्लस व्हाट इज द टोटल साइज 20 माइनस वन, और जो कि आपका सिंपल लास्ट नंबर है। तो इसी फैक्ट से आप देख सकते हो, यहां पर मैंने वो किया है, तो यहां पर हमारी ये पूरी साइज है उसको प्लस द फर्स्ट सीक्वेंस नंबर एंड माइनस वन, और वो मुझे जो आंसर देगा इट इज गोइंग टू बी सिंपली, यू कैन से यहां पे कितने बाइट हमने कंसिडर किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, सो इट्स गोइंग टू बी 100 प्लस 7 माइनस 1 एंड फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी 106। तो ये है आपका लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर, हमें पता चल चुका है ये सारी प्रक्रिया लगाने के बाद। अब इसके बाद हमें क्या करना है? एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर फाइंड करना है तो इसके आगे सिर्फ प्लस वन कर दो। समझ में आया ना? इसके आगे से प्लस वन कर दो और वो जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा आपका 107, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्नॉलेजमेंट नंबर। फाइनली वी फाउंड इट, ये होगा हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि रिसीवर जो है सेंडर से एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ओके। सो एक्नॉलेजमेंट क्या है? इट इज सिंपली द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेंडर By the receiver. I hope you are understanding this basic point. तो जितना भी मेरे से हो सकता था अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, visual representation के साथ मैंने आपको सारी चीजें explain करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।